सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग अभी बोरीवली स्टेशन जा रहे हैं। वहां से हम लोग लोकल ट्रेन लेंगे टू पालघर स्टेशन, देन वील साइकिल टू कोहोज फोर्ट। अगर आप मुंबई में हो देन यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके कारण सब रोड नैरो हो गए हैं, लीडिंग टू अनसेफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक, एंड दैट्स फॉर व्हीकल्स। फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट बीइंग ऑन रोड इज डेंजरस। Hopefully metro will reduce congestion on road and we can cycle around with confidence and safety. Iska matlab ye nahi hai ki aur koi option nahi hai cycling ke liye. This opens up Gorai, Uttan, Kelwe and Palghar region for cycling. इस बार का प्लान हमारा पालघर स्टेशन से स्टार्ट होता है। बिफोर वी गो अहेड विद आवर प्लान, चले चाय पी लेते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स मनोर। इस रूट में एक घाट सेक्शन है वाघोवा घाट, जो खत्म होता है वंस यू रीच वाघोवा टेम्पल। यू विल नो यू हैव रीच वाघोवा टेम्पल जब रास्ते पर बंदर कबड्डी खेलते हुए मिलेंगे। Wagaba temple is also starting point for a nice easy trek, Kaldurg trek. On a clear day, aapko Kaldurg se ek samandar bhi dekh sakta hai. Wagaba temple is the top of the ghat section. Wahan se abhi must downhill hai. Abhi hum log ja rahe hain towards Manor. Then we'll cross the highway to go to the other side towards Wada. Before that, kuch breakfast kar lete hain. जब आप वाड़ा की तरफ जा रहे होंगे आपको एक टोल नाका मिलेगा जो अभी चालू नहीं है, उसके राइट में आपको कोहोज फोर्ट दिखेगा। टोल नाका से 500 मीटर पर राइट साइड पर एक घर है, उसके साइड से एक कच्चा रास्ता जाता है, हम वही रास्ता लेंगे टुवर्ड्स द फोर्ट। ये गांव का नाम वघोटा है जो कोहोज का बेस विलेज है। अगर आप कोई व्हीकल से आ रहे हो देन आपको हाईवे पर पार्क करके आगे जाना पड़ेगा। हम लोगों का साइकिल एमटीवी है सो हम लोगों ने राइड किया। हम लोग कच्चा रास्ता लेके खेत से होकर पझर लेक पर पहुंचते हैं। ये जगह मानसून में बहुत सुंदर दिखता है। हम लोगों ने यहाँ पर अपना साइकिल पार्क करके ट्रेक स्टार्ट किया। कोहोज ट्रेक इजी ट्रेक नहीं है, आपको क्लाइंब करने के लिए 3 घंटा लग सकता है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है सो पानी और खाना आपको लेके ही चलना पड़ेगा। ऊपर वाटर टैंक है जहाँ से आप पानी भर सकते हो, पर उसके लिए आपको ऊपर पहुँचना पड़ेगा। ये ट्रेल बहुत चेंज हुआ है ड्यू टू लैंडस्लाइड्स, सो ऑलवेज पे अटेंशन वेयर यू आर गोइंग और यू मे गेट लॉस्ट। आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 hours ऑफ क्लाइंबिंग वी रीच द प्लेटू। ये प्लेटू बहुत बड़ा है एंड यहाँ पर मंदिर एंड 6 से 7 वाटर टैंक भी है, बट इनका पानी पोर्टेबल नहीं है।
हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मंदिर के आगे वाले ट्रेल से और ऊपर क्लाइंब किया। यहाँ पर आपको बुरुज एंड 3 वाटर टैंक मिलेंगे। द थर्ड वन हैज पोर्टेबल वाटर। देन वी क्लाइंब फर्दर टुवर्ड्स द पिनाकल्स। After spending some time up there, we started our descent. उससे पहले हम लोगों ने पानी भरा at the water tank. अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, हमें almost 2 घंटा लगेगा बेस पर पहुंचने को। हम लोग 5 बजे नीचे पहुंच गए and back on our cycles. Target है 7:30 बजे स्टेशन में होने के लिए। Check more trekking and cycling video here and subscribe करना भूलना मत।